इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांति मोटर्स छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश में आगामी 17 नवंबर को होने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पहली ही सूची में कांग्रेस के सीएम फेस कमलनाथ का नाम छिंदवाड़ा विधानसभा सीट से है। केंद्र में विभिन्न विभागों के मंत्री रहे कमलनाथ ने 2018 में विधानसभा उपचुनाव लड़ा था, तब वे 25,000 मतों से विजयी रहे थे। इस बार सीधे पहली ही सूची में उनका नाम है। जाहिर है कि कमलनाथ सीएम फेस हैं, ऐसे में वे अपना अधिकांश समय प्रदेश के अन्य जिलों में बिताएंगे, इसलिए उनके सांसद पुत्र नकुलनाथ ने छिंदवाड़ा में प्रचार प्रसार की बागडोर संभाली है। हमने अपना मुख्यमंत्री कैंडिडेट पहले लिस्ट में घोषित किया। कमलनाथ जी का रिश्ता छिंदवाड़ा से पारिवारिक संबंध का है और कमलनाथ जी हर छिंदवाड़ा वासी के दिलों में बसे हैं। कमलनाथ जी यहाँ आएंगे, चुनाव प्रचार में आएंगे, लेकिन पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। माहौल बहुत अच्छा है, पब्लिक बदलाव चाहती है, भाजपा को विदा करना चाहती है और मैं छिंदवाड़ा में लगातार 15 तारीख तक रहूँगा और आसपास के जिलों में भी मेरा दौरा रहेगा। शक्ति की भक्ति और माता रानी की आराधना के पर्व शारदीय नवरात्र पर माता रानी के प्रथम दर्शन और पूजन अर्चन करने छोटी बाजार स्थित बड़ी माता मंदिर पहुंची प्रिया नकुलनाथ। सांसद नकुलनाथ ने सपत्नी नवरात्र के प्रथम दिन नगर शक्तिपीठ छोटी बाजार स्थित बड़ी माता मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना व माता रानी की आराधना की। माता रानी के चरणों में माथा टेका और जिले प्रदेश व देश के लिए खुशहाली और युवाओं के उज्ज्वल भविष्य की कामना के साथ ही किसान भाइयों के लिए संपन्नता मांगी। आज बड़वन क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी द्वारा चुनावी कार्यालय का उद्घाटन सांसद नकुलनाथ द्वारा किया गया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना, आनंद बख्शी, विश्वनाथ उपते, विक्रम आहाके सहित बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता और क्षेत्रवासी मौजूद रहे। नरसिंहपुर रोड स्थित मुल्लू बाबा मंदिर के पास गौवंश से भरा ट्रक पकड़ा। राष्ट्रीय हिंदू सेना को सूचना मिली कि छतरपुर से नरसिंहपुर, नरसिंहपुर से छिंदवाड़ा गौवंश से भरा ट्रक छिंदवाड़ा की ओर आ रहा है, जिसके बाद कुछ सदस्यों द्वारा ट्रक का पीछा करते हुए मंदिर के पास ट्रक को दबोच लिया और 2 लोगों को पुलिस के हवाले कर करीब 60 गौवंश को छुड़ाया गया। गौवंश से भरा ट्रक पकड़ा है कंटेनर, जिसमें लगभग 60 से 65 गौवंश है और प्रदेश अध्यक्ष दीपक जी मालवी राष्ट्रीय हिंदू सेना के द्वारा सूचना दी गई रात्रि 10:30-11 बजे कि नरसिंहपुर की ओर से, छतरपुर की ओर से नरसिंहपुर की ओर ट्रक आ रहा है। इसमें राष्ट्रीय हिंदू सेना ने सभी को तस्करों को पुलिस प्रशासन को सौंपा। शारदीय नवरात्र आज से शुरू हो गए हैं। नवरात्र का पहला दिन माँ शैलपुत्री का दिन होता है। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र के सभी देवी मंदिरों में भक्तों का तांता भोर से ही लगा रहा। वहीं बुधवारी बाजार स्थित माता शैलपुत्री का विशेष श्रृंगार किया गया था, जिसमें श्रद्धालु बड़ी संख्या में पूजन अर्चन कर माँ से मनोकामना पूर्ति की कामना करते नजर आए। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी मंदिर में कलश स्थापित किए गए हैं। इस वर्ष 261 कलशों की स्थापना की गई है। प्रथम दर्शना माता शैलपुत्री से प्रारंभ आज हो गया है। आज माता शैलपुत्री का शुभ आगमन यहाँ माँ के दरबार में हो चुका है। माँ अपने सभी भक्तों को अपना शुभ आशीष और आशीर्वाद देने के लिए बहुत व्याकुल है। बड़े स्नेह के साथ माँ सभी भक्तों को बहुत लाड़ प्यार और दुलार देती है और सभी भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। मेरी संपूर्ण नगरवासियों से ये प्रार्थना है कि आप माता के दरबार में अपनी उपस्थिति दर्ज कर माता का शुभ आशीष और आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु अवश्य माँ के दरबार में उपस्थित हो। ज्वेलर्स कामजी वाले प्रस्तुत करते हैं
भव्य एग्जीबिशन स्पेशल एडिशन डायमंड ज्वेलरी का शानदार एग्जीबिशन 6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर 2023 अब हीरे के आभूषण 5,000 रूपए से शुरू चित्रकूट कॉम्प्लेक्स के सामने नागपुर रोड छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आंख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आंखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय पाटनी पेट्रोल पंप के पास छिंदवाड़ा। और बता भाई सूरज कैसा चल रहा है तेरा होम पेंटिंग का काम? मुझे तो लग रहा है कि बहुत जल्दी काम निपटा दिया इन्होंने। आइए आइए सुरेश अंकल, बस बढ़िया ही चल रहा है होम पेंटिंग का काम। चलिए आपको बाहर से दिखाता हूँ सब काम कैसा हुआ है। हाँ हाँ चलो बाहर से भी देखते हैं। ये देखिए अंकल, पूरा घर चमका दिया है इन्होंने बहुत जल्दी। अरे सूरज बेटा मुझे भी उनका एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर दे दो जिनसे तुमने होम पेंटिंग का काम कराया है। हाँ हाँ क्यों नहीं अंकल, उनका नाम है सिटी पेंट और वो आपको कलर पेंट, वाटरप्रूफिंग और सेफ पेंटिंग की सर्विस देते हैं। उनके यहाँ आपको एशियन पेंट्स, नेरोलेक पेंट्स और डुलेक्स पेंट्स की रेंज मिल जाएंगी। वो सेफ और फास्ट होम पेंटिंग की सर्विस देते हैं। उनका एड्रेस है नरसिंहपुर नाका छिंदवाड़ा MP और मोबाइल नंबर है 9826588245। धन्यवाद। स्वीप गतिविधियों के अंतर्गत आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी व कलेक्टर मनोज पुष्प के निर्देशन में बिछुआ विकास खंड के ग्राम उल्हावाड़ी में मतदान जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर ग्रामीणों को लोकतंत्र में मतदान करने के महत्व को समझाया गया। इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती बिक्री मार्केट शेयर बाजार में बढ़ता जा रहा है। इस बीच देश के कुछ हिस्सों से कंपनी की बिक्री के बाद सर्विस को लेकर ग्राहकों में असंतोष पैदा होने लगा है। ऐसा ही मामला आज नगर के नागपुर रोड स्थित ओला शोरूम में आज उपभोक्ताओं की भीड़ जमा हो गई और कंपनी के खिलाफ उपभोक्ताओं ने जमकर हुस्सा फूट पड़ा, जिसके बाद शोरूम के सामने नारेबाजी कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। इनकी गाड़ी EMI में लिए थे, दो महीने से बंद पड़ी है इनकी गाड़ी। EMI जेब से भर रहे हैं, पेट्रोल का खर्चा इनका अलग बढ़ रहा है। इनके मैनेजर से हम बात करते हैं कि हमको सर्विस प्रोवाइड करो, तो हम बोलते हैं कि हमको सिर्फ सेल का काम है, हमको कंपनी यहाँ सर्विस के लिए नहीं बैठाई है, हम सिर्फ सेल्स करने बैठे हैं और कुछ काम नहीं है। जिले को धर्म एवं आस्था से जोड़े रखने में अग्रणी लालबाग क्षेत्र में इस वर्ष लालबाग की माई झांकी का निर्माण किया गया है। आज आयोजित प्रेस वार्ता में लालबाग की माई समिति के वरिष्ठ सेवादार महेश पटेल द्वारा झांकी के संदर्भ में जानकारी प्रदान कर बताया गया कि लगभग 2 माह से इस झांकी का निर्माण चल रहा था, जिसका सोमवार शाम 7 से आरती के पश्चात लालबाग की माई के दर्शन श्रद्धालु भक्त कर सकेंगे। इतनी अधिक भीड़ आने का अनुमान है कि छिंदवाड़े में पहली बार इतना डिजिटल माध्यम से, जो आप देख रहे हैं माता रानी के पीछे जो LED लगी हुई है उसमें, और जब माता रानी के दर्शन होंगे और लास्ट में जो दुर्गा माँ जो है वो भारत माता के रूप में दर्शन देंगी। इस वर्ष लालबाग की माई की स्थापना यहाँ पर करने का विचार रखा है था और ये पहला वर्ष हम लोगों का, और हम लोग चाह रहे थे कि इस नवरात्र में भी इस लालबाग क्षेत्र में धार्मिक माहौल बना हुआ रहे और लोगों को अधिक से अधिक संख्या में इस धर्म का लाभ मिले, ताकि माता रानी के दर्शन दिन में भी कर सकता है व्यक्ति, पर जो एक मूवमेंट वाला जो काम है झांकी वो 7 बजे से प्रारंभ होगी, 7:30 बजे से रात के 11-12 बजे तक, जब तक पब्लिक आती है।
शराब के अवैध कारोबार को रोकने के लिए आबकारी अमला लगातार मुहिम चला रहा है और ग्रामीण क्षेत्र में बने शराब के अड्डों को नष्ट कर रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को जबलपुर आबकारी के फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने रविवार को जिला आबकारी अधिकारी अजीत एक्का ने पांडुर्ना और सौंसर के वृत्त प्रभारियों की टीम के साथ यहाँ के वढ़ोड़ा थाना के जंगलों में नाले के किनारे से प्लास्टिक की पन्नियों में बरामद महुआ लहान खुर्द बुर्द होने पर विधिवत नष्ट किया गया। साथ ही होटल ढाबों की सघन तलाशी ली गई। कार्रवाई के दौरान आबकारी अधिनियम की धाराओं के तहत तहतलुक 13 प्रकरण कायम किए गए और 14,000 किलो महुआ लहान तथा 350 लीटर हाथ भट्टी शराब जब्त की गई। द करण होटल के सामने हुई चाकूबाजी, इस विवाद में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार द करण होटल के सामने से कुछ युवक छिंदवाड़ा की तरफ जा रहे थे, तभी ऑटो पर बैठे युवक द्वारा ऑटो से बाहर थूका गया तो टू व्हीलर पर जा रहे कुछ युवकों पर थूक की पिचकारी जा गिरी, जिसके कारण दोनों ही पक्षों में विवाद उत्पन्न हो गया और देखते ही देखते विवाद ने उग्र रूप ले लिया। बाइक पर सवार युवक ने ऑटो पर बैठे युवकों पर चाकूबाजी कर डाली, जिससे 6 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत निजी वाहनों के माध्यम से जिला चिकित्सालय लाया गया। वहीं परिजनों को सूचना मिलते ही कोतवाली पहुंचे और कोतवाली पर सख्त कार्रवाई एवं तुरंत एक्शन लेने परिजनों ने खूब हंगामा किया। दोनों ही पक्षों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।